कमलेश कुमार कमलेंदु, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉलो में जमशेदपुर। आज हम यूजी सेमेस्टर थर्ड के कोर पेपर 6 जो नर्स के लिए है और सेमेस्टर 2 के जनरल इलेक्टिव पेपर हिस्ट्री और डीएससी के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, 1B में भी यह सिलेबस हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरा जो क्वेश्चन होगा वह है कबीर दास की जीवनी एवं शिक्षा। भक्ति आंदोलन, इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। भक्ति आंदोलन के कर्मों में हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि भक्ति आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या था, यह भक्ति आंदोलन किस तरह से भारत में शुरू हुआ और उसकी परिस्थिति क्या थी, और उसमें हम यह भी पढ़े कि इसमें प्रमुख संतों की भूमिका क्या रही। आज हम क्रांतिकारी कबीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन हमारे तीनों यानी कि ऑनर्स, जनरल, इलेक्टिव और डीएससी के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कबीर के शिक्षा एवं उपदेश के बारे में लिखें, तो उसी के क्रम में आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कबीर दास किस तरह से भक्ति आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैलाया और उस समय किस तरह से समाज में जो खाई चोरी हो गई थी, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सांप्रदायिकता काफ़ी बढ़ गया था, उसको पाटने की कोशिश की। कबीरदास के संबंध में यह कहा जाता है कि वह एक ऐसा बालक थे जो इसको जिसको एक ब्राह्मणी विधवा ने कहीं उसको फेंक दिया था, तो वह नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति था, उसको मिला और वह जाकर उसका लालन पालन किया और वह कबीर वहीं से बड़ा हुए और प्रारंभिक काल से वह अपने ईश्वर साधना के करके अपने आगे बढ़ते गए। उनके जन्म के बारे में लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1440 ईस्वी के लगभग हुआ और प्रारंभ में वह कई गुरुओं को किए, किसी गुरु के पास गए लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और बाद में वे रामानंद के शिष्य हुए। खुद उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहे हैं कि वे अपने बारे में लिखे हैं, काशी हम प्रकट भयो रामानंद चिताए। हम रामानंद के वे शिष्य वे सानिध्य में आए और उन्होंने गुरु दीक्षा लिया। कबीरदास की जो कविताएं हैं वह बीजक में मुख्य रूप से बीजक में संग्रहित है और वे कई तरह के भाषाओं में लिखे हैं, इसीलिए उन्हें साधु कवि भाषा कहते हैं। साधु कवि जिसमें ब्रज भाषा भी है, अवधी है, राजस्थानी है और वह क्षेत्रीय भाषा का भी सहयोग उन्होंने लिया। क्षेत्रीय भाषा में उन्होंने अपने उपदेश को कहा। वे बिल्कुल निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो स्थिति थी उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जिस तरह से कि मध्यकाल में दिल्ली संतनत के शासकों की जो कट्टरवादिता था, लोग हिंदू और मुसलमानों के धर्मों में फर्क कर रहे थे, यहाँ पर कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, जिसको देखते हुए कबीर ने एक क्रांतिकारी रूप अख्तियार किया। हालांकि कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वह खुद अपने बारे में लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मतलब वह कहते हैं कि मैंने कागज कलम नहीं छुआ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने श्लोक लिखा है, जिस तरह से उन्होंने ईश्वर के रूप का वर्णन किया है, उसे लगता है कि वह महान विद्वान थे, महान पंडित थे और लगता है ब्रह्म को उन्होंने काफ़ी नज़दीकी से देखा था। उनकी कविताओं में ये कूट कूट कर भरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं न तो निराकार मानता हूँ न मैं साकार मानता हूँ, उनके ऊपर मैं एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ। उन्होंने स्पष्ट अपनी भाषाओं को बिल्कुल ऐसे शब्दों में लिखा जो जनवाणी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जनता के बीच में, लोगों के बीच में वे काफ़ी प्रिय इसलिए हुए, वे बहुत काफ़ी बात खुलकर लिखते थे और लोगों को वह बात समझ में भी आता था। इसलिए हम बात करते हैं उनके धार्मिक तथा सामाजिक विचारों की कुछ
विशेषताएं थी जिसमें मानवतावादी विचार था, वे मनुष्य को लेकर चलते थे। वे हमेशा कहते थे कि मनुष्य बराबर है, सभी कोई ईश्वर के संतान है, इसीलिए वे सबों को लेकर साथ में चलते थे। और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता कि कोई ब्राह्मण है कि कोई शूद्र है, सभी ईश्वर के संतान है, इसीलिए सभी बराबर है। वे कबीर ने एकेश्वरवाद की बात किया, उन्हें एक ईश्वर की बात की, वे अनेक ईश्वरों के रूप में नहीं बात की, वे कहे एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है जिसको उन्होंने माना, और निर्गुण ब्रह्म की बात उन्होंने किया, और बाह्य आडंबर की आलोचना उन्होंने की, वो दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, हिंदुओं पर भी कटाक्ष किया और मुसलमानों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। वे हिंदुओं पर कटाक्ष स्पष्ट रूप से किया था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की चक्की भला कूट पीस खाए संसार। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जिस तरह से पत्थर को हम पूजते हैं, भगवान मानते हैं, उसे घर के चक्की को हम पीसते हैं आटा, उसको उससे मेरी भरण पोषण होता है, तो उसको क्यों नहीं ईश्वर माने। जब देखा कि हिंदुओं पर कटाक्ष किया तो मुसलमानों पर भी उन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया, बाह्य डंबर पर उन्होंने कटाक्ष किया, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे बहरा भया कुदाय। उन्होंने कहा कि हम मस्जिद बना लिए, लेकिन वहां बहुत जोर जोर से आवाज देकर, कान में हम बहुत जोरों जोरों से आवाज देकर बुलाते हैं, इससे क्या ईश्वर खुश होगा, क्या अल्लाह खुश होगा, क्या वह ईश्वर। इस तरह से उन्होंने कई तरह की जो बाह्य आडंबर थी उस पर उन्होंने कटाक्ष किया, और जो धर्म और जाति में उस समय विषमता आ गई थी उसको पाटने में कबीर ने बहुत सहयोग किया, कबीर की वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ा। उसी क्रम में उन्होंने बताया गुरु की महत्ता, उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, माना था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, गुरु हमको ज्ञान और कर्म की शिक्षा देते हैं, ज्ञान और कर्म मार्ग से ही हम गुजरते हैं। और उन्होंने कहा गुरु के संबंध में उन्होंने कहा कि गुरु तो ईश्वर से भी ऊंचा स्थान है। उन्होंने स्पष्ट कहा, गुरु गोविंद दो करे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपको जिन गोविंद यो बताए, यानी कि ईश्वर से बढ़कर उन्होंने गुरु को माना। तो उन्होंने इस बात की गुरु की महत्ता को भी समाज में स्वीकार किया, और सबसे बड़ी बात है कि भक्ति की महत्ता पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति जो है हम घर पे रहकर कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं, दीपागा की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तिलक और लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कपड़ों की रंगाने की कोई जरूरत नहीं, दाढ़ी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भक्ति करेगा उस पर ईश्वर का कृपा होगा, और सच्चा ज्ञान तो प्रेम है, प्रेम जो है वही ईश्वर तक हमें पहुंचाएगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात किया समन्वय बात की। कबीर एक तरह से ऐसा क्रांतिकारी थे कि उन्होंने समन्वय बात, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि समाज में जाति प्रथा जो है यह बिल्कुल हमारे जो है जाति प्रथा जो है हमारा लिए घातक है, इस जाति प्रथा को तोड़ना होगा। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यूसुफ सेन उसके बारे में लिखते हैं कि कबीर की शिक्षा जो है न तो वह हिंदुओं को बढ़ावा देती है और न मुसलमानों को, दोनों में समन्वय देकर वह चलता है। कबीर की जब हम पद को पढ़ते हैं, कबीरदास जो ईश्वर की बात करते हैं, कबीर कहता है कि दिखावा में हम विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मणों के समान ही मुस्लिम के उलेमाओं को भी मानते थे, जिस मौलवियों को भी वैसा ही मानते थे, पंडितों को भी वैसा ही मानते थे, कहता दोनों बराबर है। तो इस तरह से दोनों के बातों को कबीर ने लोगों के समक्ष में उस समय रखा, मध्यकाल में जब लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे से दूर भागते थे, एक दूसरे से संघर्ष करने की स्थिति में थे, उस समय कबीर की जो युक्ति थी, कबीर का जो उपदेश था, कबीर का जो दोहा था, वह काफ़ी प्रासंगिक प्रतीत होता है उस समय में। और हम बात करें दर्शन का, तो कबीर दास की बात अगर करते हैं तो कबीर दास ने परम ब्रह्म मूल तत्व को माना, जो कहा कि कण कण में व्याप्त है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उनका मत था कि संसार मिथ्या है और माया से परिपूर्ण है। वह स्पष्ट करते थे, माया तू ठगनी हम जाने, माया को कहते तुम ठग है, ये दिखा माया के, उन्होंने उसकी अवधारणा जो कबीर की थी वह काफी गीता के निकट पहुंचाता है। गीता की जो गीता जो भगवान कृष्ण का उपदेश है उसमें उन्होंने बात किया कि हम माया के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वैसा ही दिखता है। तो उन्होंने जो ज्ञान मार्ग की बात किया उसके बारे में आशीर्वादी साल एल श्रीवास्तव लिखते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि कबीर के उद्देश्यों को
जो था वह आध्यात्मिक खोज था, आध्यात्मिक चेतना उसमें दिखता है। वे स्पष्ट कहते थे इसी दार्शनिक विचारधारा में उनके पदों का विश्लेषण करना जो होगा व्यर्थ होगा। वे ईश्वर को कहते थे अपने अंदर में, ये उनकी जो पंक्ति है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाय, घट घट ऐसे राम है दुनिया देखे मैं। वह कस्तूर हिरण की तुलना करते थे कि कस्तूरी तो कुंडल में नाभि है, हम मंदिरों में खोजते हैं, हम बाहर जाते हैं और कई जगह हम जा करके ईश्वर में, हम बद्रिका आश्रम बैद्यनाथ धाम आदि जगह जाते हैं, लेकिन ईश्वर तो मेरे अंदर में है, हम उस ईश्वर को तो खोजे। हमारा ईश्वर जो है प्रेम है, प्रेम है, हम लोगों को सहानुभूति, गरीबों के प्रति प्रेम रखें, आस्था रखें। कबीरदास घर में रहकर भी अपनी रोजी रोटी करते थे, वे बिल्कुल रुई ढूंढते थे, कपड़ा बुनते थे, अपने कर्म को नहीं छोड़ते थे, कर्मों के प्रति उनका काफी लगाव था। वे उनका विशुद्ध अद्वैतवाद और निर्गुण ईश्वर के परम विश्वास था। निर्गुण के द्वारा, निर्गुण पंथ में वह परम ब्रह्म को कोई काम नहीं देना चाहते थे, लेकिन मतलब कि वह परम ब्रह्म को नाम से नहीं जानते थे, वो ईश्वर को कोई नाम से पहचान नहीं करना चाहते थे। वे कहते थे कि मेरा निराकार और साकार से हम परे हैं। और इस तरह से वह जो कबीर थे, वे रामानंद के जो शिष्य हुए, रामानंद ने उन्हें राम भक्ति का मंत्र दिया था, हिंदू धर्म तथा दर्शन संबंधी शिक्षा थी। कबीर की शिक्षा देशाटन, सत्संगति तथा विभिन्न संप्रदायों के संपर्क के परिणाम था। अगर हम कहें कि कबीरदास बिल्कुल सत्संग में विश्वास करते थे, वे अच्छे लोगों के संग की बात करते थे, और उन्होंने उनका कबीर का धर्म तथा जो समाज था वह सामाजिक समरसता की बात करते थे। अतः इस कबीर जो है हमारा आधुनिक समय में कबीर काफी प्रासंगिक इसलिए है कि उन्होंने जाति पाति से ऊपर की बात किया। उन्होंने समाज में उन आदमियों से घृणा कहा कि गहा जो तोड़ने का काम करता है, लेकिन वह मुसलमान भी है, अगर हमारा भलाई का काम करता है तो मेरा वह सच्चा दोस्त है। अतः कबीरदास ने लोगों से घृणा करने की बात को ठुकराया और स्पष्ट रूप से कहा कि कबीर ने धर्म को जनसाधारण का रूप देने की बात की। उसमें उस समय की मानसिक रूप से कहें तो कर्मकांड काफी बढ़ गया था, खर्चीला हो गया था, गरीब लोग भक्ति करने में डरते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भक्ति घर में रहती होगा, हम ईश्वर की भक्ति बिना किसी आडंबर का, पैसा का, केवल हम बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक पंक्ति उनकी आई थी कि रस गगन गुफा में अजर झरे, वे ध्यान योग की बात करते थे, ताकि ईश्वर जो है अंदर में है, तुम देखोगे तुमको ध्यान मिलेगी और तुमको मुक्ति मिलेगी और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः कबीरदास ने घर में रहकर उन्होंने कहा कि योगाभ्यास करो, योग की बात करो, सदाचार का पालन करो, तो तुमको ईश्वर मिलेगा और ईश्वर तुमको ईश्वर जब मिल गया तो संसार की सारी सुख मिल जाएगा। अतः कबीरदास हमेशा गुमकड़ी वृत्ति में रहे। उन्होंने ऐसे समय में भारतवर्ष में आए जब यहाँ पर काफ़ी धार्मिक उन्माद फैला हुआ था, लोग धार्मिक विजय के चलते, धार्मिक सैनिकों के धर्म के चलते, सेना के बल पर लोग मंदिरों को तोड़ रहे थे, मुसलमान यहाँ पर काफ़ी उत्पात मचा रहे थे। कबीर ने घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया कि तुम्हारा जो ईश्वर है और हमारा जो ईश्वर है, हिंदू का जो ईश्वर है, सब समान है, इसीलिए सबको समान रूप से देखो। ऐसे कबीर क्रांतिकारी कबीर थे, उनको क्रांतिकारी इसलिए कहा गया है कि वे बिल्कुल सोच उनकी स्पष्ट था, वे लोगों के सामने में स्पष्ट साक्ष रखते थे और साक्षों के द्वारा वे इस बात को प्रमाणित करते थे कि हमेशा ईश्वर जो है अंदर में है, व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, जहाँ देखो वहाँ ईश्वर है। केवल हम कर्म करते रहें तो हमको फल की कामना न करें, हम कल हम अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे और हमारा देश का भी विकास होगा। अतः कबीर जैसे संत जो है वह बिरले आते हैं, उन्होंने कर्म योग पर बल दिया था। और हम सबसे बड़ी बात अगर कहें तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारा जो दृष्टिकोण है वह समन्वयवादी है। समन्वयवादी हिंदी और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। अतः इस तरह से हम कहेंगे कि कबीर का जो महान, अगर कहें अंत में हम ये बात पर चर्चा कर लें कि कबीर एक महान समाज सुधारक था। उस समय के अगर हम बात करें
तो समाज में ऐसे व्यक्ति कभी कभी उत्पन्न होते हैं, कबीरदास जैसे लोग कभी कभी आते हैं, जो आकर समाज में फैली हुई बुराइयों को, धार्मिक संकीर्णता को दूर करने का प्रयास करते हैं। और अपने उद्देश्य से उन्होंने जो किया उस पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा असर हुआ और उनकी शिष्यों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती गई और धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम में समन्वय आया, दोनों में जटिलताएं जो थी खत्म हुआ। और उसको लाने में अगर हम कहें तो कबीरदास जो थे वह बाल विवाह के लिए भी वह काफ़ी उसके विरोधी थे, ऐसे समाज सुधारक थे जो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि पर्दा प्रथा के भी वो विरोधी थे, उन्होंने बाल विवाह को भी दूर रखा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा नैतिक अवमूल्यन हो रहा है उसको रोकना होगा, हमारा नैतिक पतन जो है वह रोकना होगा, तब जाकर किसी समाज का विकास होगा, कोई समाज का पथ प्रशस्त होगा और समाज आगे बढ़ सकता है। अतः भारतीयों को आगे बढ़ने में कबीरदास जैसे संतों ने, रामानंद जैसे संतों ने, रामानुजाचार्य जैसे, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने, गुरु नानकों ने जो उपदेश देकर हमारे समाज को बढ़ाया उसमें कबीरदास के पीछे एक शब्द लगता है क्रांतिकारी। और सच मायने में वे ऐसे संत थे जो निर्भीक थे, लोगों को सभी जगह सदाचार के पालन करते हुए, अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए, अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के चलते वह ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते थे। और लोग उनसे काफ़ी नज़दीकी से उनको देखा और उनके उपदेश को माना। आज भी हमारे देश में कबीर पंथ के मानने वाले हजारों लोग हैं और मोक्ष के प्राप्ति का साधन कबीर के बताए हुए मार्गों पर चलकर कर रहे हैं। अतः आज जो हम कक्षाएं लिए हैं ये कबीरदास पर है, इनके जीवन और देश के संबंध में है, जो हमने कहा कि ये जी और डीएससी 1B के छात्रों के लिए भी उतना ही जरूरी है, उसमें भी भक्ति मूवमेंट पढ़ना है, जिसमें हम प्रमुख संतों में आज कबीर की चर्चा किए। धन्यवाद।